तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकली हो इसके बारे में। ध्यान रखना 24 मई से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी की लास्ट डेट 24 तारीख है और यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन पास अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहेगी। तो दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये यहाँ पे नोटिफिकेशन है इसका, ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने मैं रीड करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है जिसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप यहाँ पे जूम करके देख सकते हो इसको। ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक्स होते हैं इन पोस्ट ऑफिस में ही, ये उनकी वैकेंसी यानी कि एक तरीके से पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में जो इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक है वहां पे ऑनलाइन यहां पे आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 4/5/2024 से लेके 24/5/2024 तक आवेदन कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया जहां पे भी यहां पे इनकी ब्रांचेज है वहां पे। अभी ये कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है इसमें, एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट की, एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट की, एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट की, ये यहां पे इसकी एज लिमिट है 22 साल से 30 साल, 22 से 40 साल, 22 से 45 साल, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ये दे रखी है और ये वेरीफिकेशन मतलब कितने क्या वैकेंसी रिजर्व्ड है वो भी यहाँ पे बता रखी है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी कंप्लीट लिस्ट दे रखी है कहाँ कहाँ पे ये निकली हुई है, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, ये सारे स्टेट्स मतलब जो भी ब्रांचेज है वहाँ पे मेन मेन हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे ये वैकेंसीज निकली हुई है और यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। अगर आप एलिजिबल हो अप्लाई करना चाहते हो नीचे लिंक दे दूंगा वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो। अभी जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है आप लिंक क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। ये डेट्स आप चेक कर लेना, वापस से चेक कर लीजिए, यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। इसके बाद में यहाँ पे ऊपर आप स्क्रॉल करोगे तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे सारे स्टेप्स देख रखे हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके जो भी फोटो सिग्नेचर डिटेल्स है पेमेंट है वो सारे स्टेप्स आपको फुलफिल करना है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, उनको सेव कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दे रखे हैं मैंने। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।